हेलो बच्चों, एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स यानी अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको कॉज करता है एक वायरस HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स के पहले केस की बात करें तो ये रिपोर्ट हुआ था 1981 में USA में अमंग होमोसेक्सुअल में। और एड्स के लिए अवेयरनेस के लिए वी हैव अ एड्स डे दैट इज ऑन 1st December। ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स स्प्रेड हो सकता है। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर के केस में एड्स स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल के यूज से एड्स स्प्रेड हो सकता है। और इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर से उसके फीटस को एड्स हो सकता है। बचने का तरीका क्या है? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ब्लड की मॉनिटरिंग होना जरूरी है। सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर के केस में बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम का यूज जरूरी है। इन्फेक्टेड मदर के केस में उसका प्रेगनेंसी के टाइम पर एड्स का टेस्ट जरूरी है। और इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज अवॉइड करना चाहिए। बट इन दिस सिंपल फैक्ट, एड्स के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू।